हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के जो पीसीबी होते हैं वो क्यों ख़राब होते हैं, उनमें लगे कंपोनेंट जो है वो क्यों जल जाते हैं के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये इनमें लगे जो कंपोनेंट होते हैं उनकी अपनी अपनी रेटिंग होती है, करंट रेटिंग, जिस हिसाब से वे काम करते हैं और उसी के अनुसार वो सर्किट में लगाए जाते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस का मैं आपको डेमो दूंगा, टेस्ट बोर्ड की मैंने दो तारें डायरेक्ट इस रेजिस्टेंस को दी, देखिए ये जल जाएगी अभी, ये देखिए। तो दोस्तों, अगर ये रेजिस्टेंस सर्किट में लगी होती किसी बड़े सर्किट में, ये तो एक टॉर्च का सर्किट है, तो दोस्तों इसके लिए वोल्टेज कम करने के लिए पीछे जो कंपोनेंट लगे रहते, डायोड वगैरह, कैपेसिटर वगैरह, और भी बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस, तो दोस्तों इसी तरह जो पीसीबी होता है उसमें एसी को डीसी में बदलने के लिए, फिर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कंपोनेंट लगे होते हैं, उनकी अपनी अपनी रेटिंग होती है। अगर उन्हें वोल्टेज ज़्यादा मिल जाए तो वो जल जाते हैं, इसलिए हमारा जो पीसीबी है ख़राब होता है। देखिए ये रेजिस्टेंस जल चुकी है। तो इसी तरह और भी जो कंपोनेंट है, कैपेसिटर वगैरह, वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप मल्टीमीटर की सहायता से इन कंपोनेंट्स को एक एक करके चेक करके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है, कोई ना कोई कंपोनेंट ख़राब होता है, बस आपको मल्टीमीटर यूज़ करना आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको भी शौक़ है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर का, तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल सीखिए और इन कंपोनेंट्स को चेक कैसे करते हैं ये सब सीखिए, तभी आप सर्किट को अच्छे से समझ पाएंगे और रिपेयर कर पाएंगे।